जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग जीके जीएस से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और हो सके तो आज के सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदाबेटा, अमरकंटक या फिर डी महेंद्रगिरी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए आंसर लगाइए। तो साथियों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, ये आपका हो जाएगा अनाईमुड़ी। कौन सा हो जाएगा? अनाईमुड़ी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अनाईमुड़ी किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत पर है अनाईमुड़ी। और ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा, दोदाबेटा। ठीक है, दोदाबेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर? नीलगिरी पर्वत पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली पूछे तो अनाईमुड़ी और दूसरी पूछे तो दोदाबेटा। आगे देखिए, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम किस राज्य में है? चलिए क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर लगाइए। तो साथियों, गरीबी रेखा के नीचे निर्वहन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम जो है ये अपना बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। भील जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर देना है। तो साथियों, भील जनजाति की बात करें, ये कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, महाराष्ट्र में है भील जनजाति। ठीक है, भारत के सबसे बड़े जनजातीय जनसंख्या की बात करें तो भील जनजाति है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत में भील हो गया, गोंड हो गया, संथाल हो गया, ये बड़ी आबादी वाला क्या है? जनजाति है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 17.5%। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों की सुशोभित किया? चलिए पांच के लिए आंसर बताइए फटाफट से। इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, के एस हेगड़े। ठीक है, के एस हेगड़े ने उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया, यानी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया किसने? तो के एस हेगड़े ने। आगे देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, 10वीं अनुसूची। अच्छा, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इस 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? तो 1985 में। ठीक, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो 52वां संविधान संशोधन। और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितने भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है। आगे देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था?
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 1973 में। कब? 1973 में। और पहली बार पूछे तो पहली बार किया गया था 1952 में, दूसरी बार किया गया था 1962 में और तीसरी बार 1973 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? चलिए आंसर लगाइए। और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, सुबह 10 बजे की क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस टाइम पर क्या चलता है, तो स्पेशल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जाता है, जो कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन केवल साइंस से ही पूछा जाएगा। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे ज़रूर कीजिएगा। और रात 8 बजे में आपको लाइव में क्लास मिलता है। तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 1975 में। कब दिया गया था? 1975 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान में एक संशोधन होता है 36वां, ठीक है, 36वां के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया था। कौन सा राज्य है भारत का? सिक्किम, तो 22वां राज्य। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो देखिए, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में, यानी कि राज्य की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है राज्यपाल होता है, और इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 154 में। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो देखिए, विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना ये होगा। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना ये भी सही है। अध्यादेश जारी करना ये तो है ही। विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना ये सभी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमने देखिए आपको कई बार बताया है, बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या टोटल 75 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछे तो 243 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या पूछे 40 है और राज्यसभा के लिए 16 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? तो किस कार्बनिक यौगिक से, आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि टमाटर में होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? आंसर हो जाएगा अत्यधिक CO2 का छोड़ना, यानी कि निकलना। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक पूछे तो यही कार्बन डाइऑक्साइड है। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा परावैगनी विकिरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फसल चक्र के अपनाने से क्या होती है? चले, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फसल चक्र के अपनाने से क्या होता है, याद रखिएगा, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? देखिए, फसल चक्र का अर्थ भी बता देते हैं। एक फसल के बाद दूसरी फसल को लगाना ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रही, जैसे गेहूं की फसल के बाद आपका होता दलहन की खेती, यानी एक के बाद एक लगाना, वो फसल चक्र कहलाता है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीलिया रोग यकृत को डैमेज करता है, किसको, यकृत को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और पीलिया रोग जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है, तो हमारे शरीर में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति यानी कि रीजेनरेटिव पावर ये कहाँ पर होती है, तो मस्तिष्क सेलों में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम कहाँ पर होती है, मस्तिष्क सेलों में यानी कि मस्तिष्क कोशिकाओं में, आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि थे, चलिए आंसर लगाइए फटाफट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन द्विवेदी युग। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्विवेदी युग के और भी कवि हैं, उसे भी ध्यान रखिएगा। एक तो आपका मैथिली शरणगुप्त हो गया, एक पूछा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय, ये भी द्विवेदी युग के कवि है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औंध हो गया, मैथिली शरणगुप्त हो गया, इन सभी के नाम को ध्यान रखिएगा। अमर्त्य सेन को उनके किस विषय क्षेत्र में योगदान हेतु नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था, चले बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ देगा, आंसर लगाइए। आंसर हो जाएगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था अमर्त्य सेन को क्या, तो नोबल पुरस्कार। कब दिया गया था, तो 1998 में, ध्यान रखिएगा 1998 में दिया गया था। सीसा क्या है, तो सीसा क्या है, याद रखिएगा, एक प्रकार का अतिशीतित द्रव पदार्थ है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैसें कौन सी है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक और लेखक, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन है, अब्दुल कलाम नहीं है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 11 नवंबर को क्या मनाते हैं, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, और अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की टोटल संख्या 15 है। कितना है, 15, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसका कहाँ हो जाएगा, नीदरलैंड के द हेग में, द हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्या है, हेडक्वार्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, 9 वर्षों के लिए। ठीक है, कितने वर्षों के लिए, 9 वर्षों के लिए। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है, यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, चीन की मुद्रा का नाम क्या है, युआन। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हालांकि इसका मुद्रा, उसकी मुद्रा का नाम रेमनबी भी है, ध्यान रखिएगा रेमनबी। ठीक, दोनों को ध्यान रखिएगा। इटली की राजधानी कहाँ पर है, आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा क्या है, येन है। जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नए राष्ट्रपति बने हैं, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 63 में मिलता है, और उपराष्ट्रपति पद जो है भारत में कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, 63 में, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति। ठीक, हाइड्रोकार्बन के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, अनुभार के बढ़ते क्रम में बताना है, तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। सबसे पहले मीथेन होगा, फिर एथेन होगा, प्रोपेन होगा, और लास्ट में ब्यूटेन होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा।
नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। साथियों, प्रैक्टिस सेट में टोटल 40 क्वेश्चन हैं और आप लोग 40 में कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में ज़रूर बताना है। तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था ये भी पूछा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमैन ने। किसने किया था? अल्टमैन ने इसका खोज किया था और इसका नामकरण किया था बेंडा ने। ठीक है, बेंडा ने नामकरण किया था और खोज किया था अल्टमैन ने। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? आंसर क्या हो जाएगा? फम्फूस से। किससे होती है? फम्फूस से होती है एथलीट फुट बीमारी। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। किस भाग को? कॉर्निया भाग को। अच्छा, आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो इस रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है एवं वस्तु से छोटा बनता है। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। जब इसके पठन में अचानक गिरावट होती है तो क्या होता है? तूफानी मौसम का संकेत होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, बैरोमीटर का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, टोरिसेली ने। पूछा जाता है, ई टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज किया था। किस देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड उसका क्या होता है? यानी किसी देश की जो आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है वह क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश पूछे तो कतर है, और भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे तो गोवा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, लाइफ इज मिंट फॉर वर्क। इसका हिंदी बताना है, ट्रांसलेशन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन का मतलब काम है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातुएं होती है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा होता है, जस्ता होता है और निकेल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जर्मन सिल्वर में कभी कभी पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु मौजूद नहीं होता है, तो आपको ऑप्शन में देगा तांबा, जस्ता, निकेल, सिल्वर। तो आप कहेंगे सिल्वर है, तो सिल्वर तो होगा ही, लेकिन जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। इस बात को ध्यान रखिएगा, भले ही नाम है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। मरकरी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी द्रव धातु है। क्या है? द्रव धातु है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मरकरी यानी कि पारा। और इसका एक अयस्क पूछा जाता है, सिनेबार। सिनेबार किसका अयस्क है? तो मरकरी का यानी पारा का अयस्क है। नीचे दिए ईंधन में से सबसे अधिक ऊष्मीय मान किसका होगा? तो कोक हो गया, पत्थर का कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, प्राकृतिक गैस। इसमें सबसे अधिक ऊष्मीय मान होगा प्राकृतिक गैस का। ठीक है, और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? रूस के पास है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, प्रोटीन का अनिवार्य घटक है नाइट्रोजन। अपने खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ बताइए। अच्छा, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जे बर्जिलियस ने। इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। तो अपने खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ क्या है? सबसे अलग रहना। आखिरी क्वेश्चन, 1027 में महमूद गजनबी का अंतिम अभियान कौन सा था? इन्होंने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था 1000 से लेकर 1027 के बीच में।
ठीक है, और इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा माना जाता है? तो गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर पर इन्होंने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, सिंध पर। ठीक है, अंतिम अभियान था सिंध पर। उदास शब्द का बहुवचन क्या है? तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, क्योंकि देखिए उदास जो है ये एक वचन होता है, सदा एक वचन होता है, तो इसका कोई भी बहुवचन नहीं होगा। तो उदास का क्या हो जाएगा? उदास हो जाएगा, इसका बहुवचन नहीं बनता है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 में कितने क्वेश्चन सही किए।